अल्मोड़ा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने नोटबंदी को आम लोगों के खिलाफ बताते हुए कहा है कि इससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि पहाड़ों पर जब सिग्नल नहीं आता तो फिर मोबाइल का उपयोग लेन देन के लिए भला कैसे होगा। राहुल गांधी ने कहा कि असली काला धन कहाँ है ये नरेंद्र मोदी जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने नोटबंदी से ठीक पहले जमीनें खरीदी और अपना पैसा बैंकों में जमा किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर उत्तराखंड का हक मारने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उत्तराखंड को 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में। और यहां उत्तराखंड के पहाड़ों में सेलफोन का सिग्नल नहीं आता है, कभी कभी बाल मिठाई है उसको आप पेटीएम के माध्यम से खा पाएंगे क्या? नोटबंदी के कारण 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई है। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी। 15 परिवारों के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किया। हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। उत्तराखंड को 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, जो आपका हक है। उत्तराखंड की जनता को आप नहीं दे पाए, उनसे आपने छीना और मालिया को दिया। यह है सूट बूट की सरकार की सच्चाई।